नमस्कार, मैं हूं निखिल। और आप देखें, मेरे साथ बड़ा सवाल। ये बड़ा सवाल उन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से जुड़ा है जिस पे लोगों ने निवेश किया। निवेश पैसों का तो था ही, निवेश भरोसे का भी था, दोनों ही टूट गए हैं। जो पैसा गया उसके आने की कोई उम्मीद नहीं, और जो भरोसा टूटा उसका जवाब देने वाला कोई नहीं। ऐसे में हमने कल एक बड़ा सवाल किया था, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो जुड़े जो लोग थे, जिसमें उनके सोसाइटी के जो ब्रांच मैनेजर्स थे, उनके जो सीनियर एडवाइजर्स थे, उन सब ने एक परिचर्चा की थी। मुझे काफी रिएक्शन मिले, लोगों के बहुत से मैसेजेस मेरे पास आए। तो हमने लोगों को ये कहा कि आपकी जो तकलीफ है उसका एक वीडियो बनाकर हमें दें, ताकि हम आपके उस वीडियो को ही हूबहू दिखा सकें, ताकि जिन लोगों तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए इस डेजर्ट टाइम्स के मंच के जरिए, उन तक पहुंचे। हमें बहुत से लोगों ने वीडियो भेजे हैं, एक एक करके हम आपको तमाम वीडियो दिखाएंगे जो लोगों का दर्द है। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि लोगों की ये आवाज उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें कुछ करना है, ताकि ये तमाम वो लोग जो इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से खुद को आज ठगा मानते हैं, उन्हें कहीं कोई न कोई राहत मिल जाए। मैं उत्कर्ष उर्मलिया मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बोल रहा हूँ। मैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे हुए पैसे को लेकर अत्यंत परेशान हूँ। मैं पूरी तरह से बेरोजगार हो चुका हूँ, मेरे पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं बचा है, मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे घर का राशन पानी खर्च नहीं चल पा रहा है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से मैं अत्यंत परेशान हो चुका हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि इस सोसाइटी से लिक्विडेटर हटाकर नया प्रशासक नियुक्त किया जाए एवं इसे पुनः रेगुलेट किया जाए। समस्त 21 लाख निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द वापस किया जाए। धन्यवाद, आभार। गुड इवनिंग, मैं प्रकाश गौड़ आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पिछले 12 वर्ष से कार्यरत था, जो ब्रांच इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहा था। वर्तमान में मैं जोधपुर में हूँ और जोधपुर ब्रांच से, महिला ब्रांच से कार्य कर रहा था, लेकिन अभी लॉकडाउन के वजह से ब्रांचें बंद हो चुकी हैं। हम ये चाहते हैं कि जो अभी वर्तमान में आदर्श पे लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, उसको रिमूव करके सरकारी प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त हुए और ब्रांचों के माध्यम से सभी निवेशकों को पेमेंट मिल जाए। आपकी आवाज़ के साथ में हम गवर्नमेंट को निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सभी कर्मचारियों हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, इन सभी को न्याय मिले और सभी को समय रहते सभी को पेमेंट मिले। धन्यवाद एक बार पुनः। जय श्री कृष्ण। मैं प्रदीप जैन सवाईमाधोपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैंने लगभग 10 वर्षों तक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम किया। अपना स्वयं का और अन्य लोगों का लगभग 8 करोड़ रुपया मैंने इस सोसाइटी में जमा कराया। जून 2018 से पहले इस सोसाइटी के द्वारा, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति को समय पर अपना जमा धन परिपक्वता पर मिलता रहा, लेकिन जून 2018 के बाद कई सारी सरकारी एजेंसियों ने अपनी हठधर्मिता दिखाई और जाँच के नाम पर इसके सारे कारोबार पर, लेन देन पर इनके रोक लगा दी गई, इसके सारे खातों को सीज कर दिया गया, जिसकी वजह से 21 लाख लोग परेशान हो रहे हैं। आज हमको 2 साल हो गए हैं, 2 साल से हम अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए परेशान हो रहे हैं। सरकारी एजेंसियों से, सरकारों से, राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से हमने खूब निवेदन किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। हम चाहते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिक्विडेटर हटाकर प्रशासक नियुक्त करें और हमारा भुगतान करवाएं। मेरा नाम प्रभावती पाटिल है। मैं महाराष्ट्र से जिला पालघर, तालुका डहाणू में रहने वाली हूँ। मेरा आदर्श कोऑपरेटिव में 5 लाख रुपए फंसे हुए हैं। मेरे पूरे जीवन भर की पूंजी आदर्श में रखी थी। कृपया मुझे मेरा पैसा मिल जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। नमस्कार, मैं ओंकार नाथ तामकार दुर्ग छत्तीसगढ़ से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पिछले 6-7 वर्षों से एडवाइज़र के रूप में कार्य कर रहा हूँ।
साथ ही अपनी एवं अपने पहचान निकटतम लोगों की भी निवेश के बारे में बहुत जानकारी देकर उनका भी निवेश कराया गया है। सभी लोग यहाँ की तौर तरीके से कार्यप्रणाली से काफ़ी संतुष्ट थे, किंतु पिछले कुछ समय से ऐसी राजनीतिक षड्यंत्र या सरकारी रवैये के कारण लोगों को यहाँ पर कार्य करने में परेशानी आने लगी। संस्था के कार्यों को रोक दिया गया, बहुत से चीज़ों में जांच के नाम पर अटका दिया गया है और जिसके चलते लोगों को अपना भुगतान नहीं मिल पा रहा है और हम एडवाइज़र लाखों की संख्या में बेरोजगार हो गए हैं। सरकार इस दिशा में तुरंत कार्य करें। धन्यवाद। मेरा नाम देवीलाल है, मैं नौर हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ। मैं पिछले 8 साल से आदर्श का एजेंट हूँ। मैंने अपना और अपने कुछ पहचान वालों का काफ़ी इन्वेस्ट किया है इसमें। इन 8 वर्षों मुझे आदर्श से कभी कोई शिकायत नहीं रही। समय पर भुगतान, लोन, अपनी RD या FD पर कैशलेस की सुविधा, रोजगार, इन 8 वर्षों में आदर्श से पूरी तरह से संतुष्ट था। पर पता नहीं इन पिछले 2 सालों में क्यों आदर्श को बंद कर दिया गया, क्यों हमारा रोज़गार हमसे छीना गया, क्यों जांच एजेंसियों ने ऐसा किया। अगर आदर्श फ्रॉड थी तो ये 18 साल तक चली कैसे, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा। आज भी मुझे आदर्श पे विश्वास है। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं अमित जैन आदर्श परिवार से, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से इतना पीड़ित हूँ कि मैं अपने बच्ची का इलाज व बच्ची की एजुकेशन के लिए भी फीस नहीं भर पा रहा हूँ व कस्टमर भी बहुत परेशान है। जब आप दे के थक गया हूँ, अभी इतना अति हो गया है कि अब जीऊँ तो जीऊँ कैसे और मर भी नहीं सकता, क्यों बच्चों को पालना है। यदि आप भी किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हैं, आपका उसमें निवेश है और वो निवेश आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी बात मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, मुझे 1 मिनट का वीडियो बनाइए। अपनी बात को बहुत संजीदगी के साथ में रखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को हमारे मंच के जरिए उन लोगों तक पहुंचा सकें जहां तक जानी चाहिए। नमस्कार।